हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 12 का आल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन वाला टॉपिक करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो शांति से देखना और समझते हैं कि आल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है वो कौन देते हैं, कैसे उसकी मैकेनिज्म क्या है, प्रोडक्ट क्या मिलती है, ठीक है, उस सभी के बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहला पॉइंट तो ये समझ लो कि जो आल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है वो एल्डिहाइड और कीटोन्स देते हैं। ठीक है, कौन देते हैं? एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड्स एंड जो हमारे कीटोन्स होते हैं वो आल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देते हैं, लेकिन ये एल्डिहाइड और कीटोन के पास क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अब ये अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या है वो भी समझ लेते हैं। यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे मेरे पास ये एसिटाल्डिहाइड है, ठीक है, ये एसिटाल्डिहाइड का ये हमारा है फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, और उसके बाजू वाले कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन, और उसके ऊपर जो ये हाइड्रोजन है उसको मैं कहता हूं अल्फा हाइड्रोजन, उसको हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो ऐसे एल्डिहाइड की जिसके पास अल्फा कार्बन प्रेजेंट हो और उस अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, ऐसे एल्डिहाइड आपको एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देने वाले हैं। और वैसे ही कीटोन का है, कीटोन के पास भी ऐसे अल्फा कार्बन होना चाहिए और उसके ऊपर अल्फा हाइड्रोजन भी होना चाहिए। ओके, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। इसके बाद सेकंड पॉइंट होता है, जो हमारी आल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है वो किसके प्रेजेंस में होती है? वो किसके प्रेजेंस में होते हैं? तो अल्कली के प्रेजेंस में होते हैं, डाइल्यूट अल्कली। ठीक है, तो आल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली के तौर पे ज्यादातर बार हम NaOH का यूज करते हैं, जो एक बेस के जैसे भी बिहेव करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे आल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को समझने के लिए। अब हम मैकेनिज्म के थ्रू से पूरी रिएक्शन को समझने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको एल्डिहाइड से क्या करूंगा, पूरी मैकेनिज्म समझाऊंगा, उसके बाद इसी प्रोडक्ट को लिखने के लिए, एल्डिहाइड की प्रोडक्ट को लिखने के लिए जो शॉर्ट ट्रिक है वो बताऊंगा, उसके बाद कीटोन की शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, और दो तीन पॉइंट है वो डिस्कशन करने वाला हूं। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले देखते हैं एल्डिहाइड। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको देने वाला हूं एग्जाम्पल किसका, तो एल्डिहाइड का। तो स्टूडेंट्स, यहां पे जो मैं एल्डिहाइड लेने वाला हूं वो एल्डिहाइड मेरा है एसिटाल्डिहाइड लेने वाला हूं। ठीक है, एसिटाल्डिहाइड मैं यहां पे लेने वाला हूं। एसिटाल्डिहाइड की हमारी फॉर्मूला क्या होती है? CH3CHO। ठीक है, एसिटाल्डिहाइड की हमारी फॉर्मूला क्या होती है? तो CH3CHO, ये हमारी क्या होता है, क्या है फॉर्मूला एसिटाल्डिहाइड। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, पहले तो स्टेप नंबर वन बताऊंगा मैं आपको। स्टेप नंबर वन में क्या होगा, तो देखो यहां पे सी एच 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 और ये यहां पे है सी एच ओ, ये हमारा एसिटाल्डिहाइड का फर्स्ट मॉलिक्यूल है। याद रखना, आल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में हम एसिटाल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स यूज करते हैं। कितने मॉलिक्यूल्स? दो मॉलिक्यूल्स का यूज करते हैं, उसमें से फर्स्ट मॉलिक्यूल जो है वो मैं स्टेप नंबर फर्स्ट में यूज करने वाला हूं। मेरा फर्स्ट मॉलिक्यूल वो क्या करेगा, वो इस डाइल्यूट NaOH से जो हमें OH माइनस मिलता है, जो एक बेस के जैसे बिहेव करने वाला है, याद रखना ये एक बेस के जैसे बिहेव करेगा, इस बेस के साथ रिएक्शन करेगा। और आपको पता होना चाहिए बेस को क्या चाहिए होता है, एच प्लस एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए होता है। तो क्या होगा यहाँ पे देखना, ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब हमारे एसिडिक हाइड्रोजन है। ये क्या है हमारे, तो एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिडिक
हाइड्रोजन, ओके ये सब हमारे क्या है तो एसिडिक हाइड्रोजन। तो यहां से क्या होगा, यहां से जो OH माइनस है वो यहां से H प्लस को लेके H2O रिमूव करेगा। H2O के रिमूव होने के बाद इस कार्बन पे ये हाइड्रोजन और कार्बन के बीच जो बॉन्ड था उसके इलेक्ट्रॉन कार्बन पे आ गए, तो अब क्या होगा यहाँ पे CH2 नेगेटिव सिंगल बॉन्ड COOH, ठीक है ये आपकी स्पीसीज बन जाती है। यहाँ पे इसने अगर H प्लस डोनेट किया है तो ये एसिड के जैसे बिहेव करता है और ये हमारा हो गया है कॉन्जुगेटेड बेस। अब ये जो कॉन्जुगेटेड बेस है उसको हम कहते हैं इनोलेट, इसको हम कहते हैं इनोलेट। ये इनोलेट स्टेबिलाइज होता है रेजोनेंस की वजह से, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस होगा इस तरीके से कुछ रेजोनेंस होगा और हमें स्टेबिलिटी मिलेगी हमारे इनोलेट की, ठीक है कुछ इस तरीके से CH2 डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे हो गया O माइनस और यहाँ पे आ गया प्लस, ठीक है। तो ये इनोलेट जो होता है वो स्टेबल होता है, स्टेबल होता है ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस की वजह से ये हमारा क्या हो जाता है तो स्टेबल हो जाता है। ये हमारा इनोलेट था कि जो रेजोनेंस की वजह से क्या हो गया है तो स्टेबल हो चुका है, अभी रेजोनेंस की वजह से आपका स्टेबल हो चुका है, ठीक है। अब हम स्टेप नंबर टू कि जिसमें स्टेप नंबर टू याद रखना, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के जैसे बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के जैसे बिहेव करेगा क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अब सेकंड स्टेप में क्या होने वाला है वो समझते हैं। स्टेप नंबर टू में क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा किसके ऊपर, तो सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड के मैंने यहां पे बोले दो मॉलिक्यूल यूज होते हैं, तो दूसरा मॉलिक्यूल स्टेप नंबर टू में यूज होगा। कैसे, तो यहां पे हम देख सकते हैं हमारे पास CH3COOH, यहां पे है एच, ये हमारा एसिटाल्डिहाइड का सेकंड मॉलिक्यूल है। एसिटाल्डिहाइड का ये क्या है तो सेकंड मॉलिक्यूल है। अभी हमारा यहां से क्या हो गया, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला है। न्यूक्लियोफाइल अभी अटैक कैसे करेगा ये देखो, यहाँ पे CH2O-, यहाँ पे हमारे पास है CHO, ये अभी न्यूक्लियोफाइल के जैसे बिहेव करेगा। तो अटैक कहाँ पे होगा वो देख लो, यहाँ पे इन दोनों के बीच में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और इसकी कम होती है, तो ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव और ये थोड़ा नेगेटिव होता है पार्शियली, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाएंगे और यहां से ये न्यूक्लियोफाइल इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है पॉजिटिव चार्ज। एक और बात कि यहाँ पे ये जो अटैक हुआ है, ठीक है चलो जाने दो उसको, यहाँ पे ये अटैक होगा और हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगी, तो CH3CH, ठीक है ये H को मैंने नीचे लिख दिया और ये CH2 का भी बाजू में लिखूंगा CH2, यहाँ पे O माइनस हो गया, ये क्या हो गया O माइनस और यहाँ पे आ गया है CHO, यहाँ पे क्या आ गया है CHO आ चुका है। अब क्या होगा कि यहां पे जो ये H2O रिमूव हुआ था, यहां पे जो ये H2O रिमूव हुआ था उसमें से हम यहां पे जो ये H प्लस हमने लिया था, ये एसिडिक H प्लस जो हमने लिया था, एक बात याद रखो यहां पे जो OH माइनस था वो तो कैटालिस्ट था, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, रिएक्शन को फास्ट करेगा और उसके बाद वापिस रिएक्शन हो जाने के बाद वापिस उसके जो जिस फॉर्म में वो था उसी फॉर्म में हमें मिल जाएगा। तो यहां से जो एसिडिक हाइड्रोजन गया था वो अब कहां जाएगा, तो इस नाइट्रोजन पे जाएगा। तो यहां से ये जो H2O रिमूव हुआ था उस H2O में से, उस H2O में से H प्लस यहां पे चला जाएगा और ये वापस जो NaOH वहां पे यूज हुआ था वो NaOH के माइनस में, क्योंकि Na प्लस तो थे ही हमारे पास रिएक्शन में, तो अभी यहां पे क्या हो गया CH3CH, यहां पे है OH, ये CH, यहाँ पे है H, ठीक है यहाँ पे CH2 था उसको मैंने CH कहकर OH लिख दिया है और यहाँ पे आ गया CHO। ये जो प्रोडक्ट आती है आपकी इसको हम कहते हैं आल्डोल प्रोडक्ट, इसको हम कहते हैं आल्डोल प्रोडक्ट हम कहते हैं। और अगर पर्टिकुलर इसकी मैं बात करूं उसका नेम होगा बीटा हाइड्रोक्सी। ये CHO, ये अल्फा पोजिशन, ये बीटा पोजिशन, ये हो गया बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी। उसके बाद इसका ये जो आपकी एक दो तीन चार इतना जो आपको आपने लिखा हुआ है उसका नेम होता है
ब्यूटीअल्डिहाइड, ब्यूटीअल्डिहाइड ये मैंने कॉमन नेम लिखा है, ब्यूटीअल्डिहाइड ये मैंने कॉमन नेम लिखा है, इसको मैं अल्डोल प्रोडक्ट भी कहता हूं। आपको पूछा जाए कि एसिटाल्डिहाइड में अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट होने के बाद अल्डोल प्रोडक्ट कौन सी होती है, तो ये अल्डोल प्रोडक्ट होती है। ठीक है, तो ये हो गया स्टेप नंबर टू। अब बात करेंगे स्टेप नंबर थ्री के बारे में। स्टेप नंबर थ्री जो होता है वो बहुत ही इजी होता है, देख लेना। स्टेप नंबर थ्री में सिर्फ जो ये प्रोडक्ट आई है वो उसी का हमें यूज करना है। देखो CH3, उसके बाद यहां पे है CH, OH, CH, H एंड CH2O। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इस प्रोडक्ट को हीट करेंगे, इसका कंडेंसेशन करेंगे, तो यहां से H2O रिमूव होगा, यहां से H2O रिमूव हो जाएगा और क्या मिल गया हमें, CH3, CH डबल बॉन्ड, CH, CHO हमें यहां पे मिल गया। इसका नेम क्या होगा, तो ये है ब्यूट टू इन, और वन पे आल होगा तो मैंने सिंपली लिख दिया ब्यूट टू इनाल, ब्यूट टू इनाल मैंने यहां पे लिख दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी को मैं क्रोटोनाल्डिहाइड भी कह सकता हूं, इसका कॉमन नेम क्रोटोनाल्डिहाइड भी हम कह सकते हैं, इसका कॉमन नेम क्या होगा, क्रोटोनाल्डिहाइड। और ये जो प्रोडक्ट मिली है वो है अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, इसको हम अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे अल्डोल क्यों बोला गया है, कि हमारे इस प्रोडक्ट में कीटो अल्कोहल भी है और अल्डिहाइड भी है, इसलिए हमने इसको अल्डोल कंडेंसेशन अल्डोल प्रोडक्ट बोला है। और उसके बाद अगर कंडेंसेशन हो जाता है तो हम उसको अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट कहते हैं, अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट कहते हैं। तो स्टूडेंट ये तो हमारी हो गई प्योर मैकेनिज्म, हो गई ये तो पूरा मैकेनिज्म हो गया, लेकिन मुझे इतनी सारी झंझट करनी नहीं, इतनी सारी मेथड, इतना सारा लंबा मुझे कुछ करना ही है, मुझे तो सिर्फ एक स्टेप में मुझे मेरी ये प्रोडक्ट ही चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप में मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। तो ये प्रोडक्ट कैसे आती है उसके लिए हम देखेंगे शॉर्ट ट्रिक। अभी आप ये प्रोडक्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूं, बाद में मैं आपको समझाऊंगा। CH3CH CHO, ठीक है ये प्रोडक्ट मैंने लिख दिया है यहाँ पे। अब हम बात करेंगे शॉर्ट ट्रिक के बारे में, कि अल्डोल कंडेंसेशन में अगर हमें सीधे सीधे सिर्फ प्रोडक्ट बतानी है, लास्ट प्रोडक्ट, तो शॉर्ट ट्रिक क्या होगी देखते हैं। तो स्टूडेंट्स देखो यहां पे प्रोडक्ट क्या है, CH3CH CHO। अल्डिहाइड वाले केस में अभी शॉर्ट ट्रिक में आपको बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक में क्या है, हमारे हमें पता ही है कि हमने एसिटाल्डिहाइड के दो मोलिक्यूल्स यूज किए हैं। तो फर्स्ट देख लेते हैं हम, फर्स्ट में हमारे पास मान लो प्रोडक्ट क्या थी, चलो ये थी ना, तो ये फर्स्ट मोलिक्यूल मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये मेरा फर्स्ट मोलिक्यूल। अब सेकंड मोलिक्यूल मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा, CH3CHO। ठीक है, ये डायल्यूट NaOH की प्रेजेंस में, डायल्यूट NaOH की प्रेजेंस में क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने वाला है। कहां से, यहां से ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गए, ठीक है ना। तो CH3 ये C और H, CH और ये डबल बॉन्ड से ये कार्बन के साथ क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और यहां पे हमें हमारी प्रोडक्ट मिल गई, सिर्फ एक स्टेप में हमारी प्रोडक्ट मिल गई। याद रखना ये जो शॉर्ट ट्रिक हमने की, उसकी वजह से, शॉर्ट ट्रिक की वजह से हमें जो प्रोडक्ट मिली है वो अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है, अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है। अगर हमें अल्डोल प्रोडक्ट चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, कि यहां से जो ये एच है उसको यहां पे लिखना पड़ेगा और ये कार्बन को हमें यहां पे क्या करना होगा, बॉन्ड बना देना होगा। मतलब कि अब क्या हो गया, CH3, ये एच को मैंने इसको दे दिया, तो ये कार्बन और ये OH यहाँ पे हो गया एच। अब ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में, ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ये तो यहां से क्लीवेज हो चुका था, तो अब क्या हो गया यहाँ पे कार्बन, ठीक है, और यहाँ पे हो गया CH2CHO। ये जो प्रोडक्ट है वो आपकी थी अल्डोल प्रोडक्ट, ये क्या थी आपकी अल्डोल प्रोडक्ट, और ये क्या है अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, ये क्या है आपकी अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है। ठीक है, ओके ओके। नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं, ये तो एल्डिहाइड के लिए हो गई,
अब हम बात करेंगे कीटोन के लिए। अब हम किसके लिए बात करने वाले हैं? कीटोन के लिए। तो कीटोन में कौन सा लेने वाला हूं? तो एसीटोन लेने वाला हूं, एसीटोन लेने वाला हूं। एसीटोन की फॉर्मूला होती है CH3COCH3, ये एसीटोन की फॉर्मूला, उसका वन मॉलिक्यूल। अब दूसरा मॉलिक्यूल याद रखना, ये जो हाइड्रोजन निकाल रहे हैं वो अल्फा पोजीशन से ही निकाल रहे हैं, इसीलिए मैंने यहां पे बोला था एसिड एल्डिहाइड एंड कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, यहां से CH3COCH3, तो यहां से कुछ इस तरीके से H और ये H, ये निकल गया H2O, यहां से क्या निकल गया है हमारा H2O निकल गया और प्रोडक्ट क्या आ गई CH3COCH3, ये है आपकी प्रोडक्ट, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट आपकी आ चुकी है, जिसका नेम होगा 2-methyl, इसका नेम क्या होगा, सॉरी 2-methyl नहीं होगा, 1, 2, 3 एंड 4, तो हो जाएगा 4-methyl, 4-methyl पेंट 3-ene, पेंट 3-ene 2-on, पेंट 3-ene 2-on आ जाएगा, क्योंकि 3 पे डबल बॉन्ड है और 2 पे कीटोन है। इसका कॉमन नेम होता है मेसिटाइल, इसका कॉमन नेम क्या होगा, मेसिटाइल ऑक्साइड, इसका कॉमन नेम क्या होगा, तो मेसिटाइल ऑक्साइड इसका क्या हो जाएगा, कॉमन नेम हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो यहां पे आपकी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की जो शॉर्टिक थी वो भी खत्म होती है। एक पॉइंट है जो और डिस्कशन करना होगा कि हमें यहाँ पे एक नोट लिख दो, ऐसे कौन से एल्डिहाइड्स और कीटोन्स है कि जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देने वाले हैं। तो एक तो हो गई फॉर्मल्डिहाइड हो गया आपका, कौन सा है आपका फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड जो है वो आपका ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देगा। उसके बाद बेंजाल्डिहाइड हो गया, बेंजाल्डिहाइड और बेंजोफिनोन, और बेंजोफिनोन इतने, ये एल्डिहाइड और ये दो एल्डिहाइड और ये दो एक कीटोन, ये आपके एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन जो है वो देने वाले नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कैसे लिखना है, कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कौन उसमें किसका यूज होता है, तो डाइल्यूट अल्कली का यूज, मतलब कि NaOH का यूज होता है। ठीक है, तो आई होप अब तक तो आपको समझ आ गया होगा और ये शॉर्ट ट्रिक भी आपको समझ आ गई होगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।